अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में और आगाज़ दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज करनी है ब्लैक मुर्गे की ट्रीटमेंट चंडी की। वो जो भाई जो ना कह रहे थे वीडियो में कि वीडियो में तो नहीं कमेंट में कह रहे थे कि आप वीडियो लाजमी बनाइएगा कि मैं भी देख के जो ना आप ट्रीटमेंट करूंगा अपने मुर्गे की, तो आज उनकी जो ना डिमांड पूरी हो जाएगी। बाकी हीरे जो पट्ठे हैं हैं दो, लेकिन रब्ता काफ़ी सारे भाई कर चुके हैं, अभी देखें जाते किसके पास है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं ले आऊँगा, डिमांड तो काफ़ी आपकी हो रही है, तो मुझे जैसे ही कहीं अच्छे नज़र आए ना तो मैं इंशाल्लाह ले आऊँगा। फिर बाकी जो रह गए हैं दोस्त भाई उनको भी दे दूँगा। रात को तो हमने छलियाँ खाई हैं, अभी आदि आश्रम शुरू हो गए हैं। ये मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, स्कूल से वापस आते थे अंगारे होते कोई नहीं, इसी में डाल के ना छाई में यूं यूं करके बस कच्ची पक्की करके खा ली। तो सिवियो जी करो, ये मुर्गी जो मैं लेके आया था हरीपर मंडी से, ये देखिए मेरे ख्याल से अंडे के लिए बैठ गई है। बच्चे तो इसके गे फारग हो गए, ये बंडों पर आ गई है। अभी मुर्गा इसके साथ मेरे ख्याल से रुस्तम लगा लूँ तो अंडे ले लूँ इसके, क्या पता कोई छिटे छिटे निकल जाए। हाँ कबूतरों, क्या अपडेट है आपकी? हैं ये दोनों वाइट इधर बैठे हैं, दूसरे दोनों बाहर चले गए जो मैं हरीपर से लेके आया हूँ। भाई जिन क्या कर रहे हो आप जिन? एक एक कमीज होर सुथोन और सुबह तो चिट्टी सुथोन लगी है, आई मीन शलवार। आज वैसे मैंने गली जगीर भी जाना था लेकिन नहीं गया, उसकी वजह यही है कि अभी टेक्सला भी किया, हरीपर भी किया, मैंने कहा आज रेस्ट कर लूँ, अगर एक ही दम से दोबारा काम का प्रेशर लिया तो हो सकता है तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बेहतर हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता काम की रूटीन दोबारा से सेट करेंगे। पहले प्रॉपर जो है ना एक मरतबा सेट हो लूँ खुद, क्योंकि कहते हैं ना जानी नल जान है जान। हाँ भाई क्यों छुप छुप लुप के बैठे हुए हो? अब इनको बांधते शांति कोई नहीं है क्योंकि गर्मी है ना, अपनी मर्ज़ी से ये ठंडी जगह ढूंढ के ना लेट जाते हैं, तो वो भी इनके लिए ठंडी जगह है, लेकिन एक जगह बांधे बांधे तंग आ जाते हैं। हाँ भाई अमरोही क्या हाल है तेरा? काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ भी हो रहे हैं, आप इसको अमरोही बोल रहे हैं, ये अमरोही है ही नहीं, और चले ना सही लेकिन मेरे लिए है तो मैं अमरोही बोलूँगा। कहते हैं रिसर्च कर लें, रिसर्च पता नहीं कितनी की थी, अभी तो करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है रिसर्च असीलों पे। बस मैं कहता हूँ असील वही अच्छा है, ना कोई अमरोहा ना कोई लसानी, जिसमें पॉइंट सारे पूरे हैं वही असील अच्छा है। ये जो लसानी अमरोही के चक्कर में हम पड़ जाते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्योर ब्रीडें जो है ना ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़ीरो है, ठीक है। और काफ़ी सारे दोस्त जिनके पास अमरोही वगैरह लसानी पड़े हैं वो कहते हैं सिर्फ हमारे ही पास हैं, दूसरे किसी बंदे के पास नहीं है, दूसरे किसी के पास पड़े वो कहते हैं मेरे ही पास हैं और किसी के पास नहीं है, लिहाजा ये लड़ाइयाँ झग रही हैं। लिहाजा आपके लिए वही चीज़ बेस्ट है जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। बस पॉइंट्स देखें उसमें पूरे हों, हर तरह से परफेक्ट हो, बस वही जो है ना अच्छी चीज़ है, ना कोई अमरोहा और ना कोई लसानी। बकरियाँ तो सुबह सुबह खोल दी थी, पांडे को भी खोल दिया था, इनको मैंने जो है ना वो जो बनाया था इनके लिए पनीर वगैरह वो खिलाया है, इनको बाहर निकाल दिया, मैंने कहा सोकड़ा आप घूमो फिरो, घूमने फिरने से ही आप सही हो गए। इनको इधर बांध दिया अपनी पक्की जगह पे। ब्लैक पट्ठे को मैं इधर बाहर ढूंढने आया हूँ, इधर तो है ही कोई नहीं, मैं सोच रहा था उसको पकड़ के जाकर ट्रीटमेंट उसकी करूँ चंडी की, इधर इडियट फैमिली घूम रही है। इनमें से भी हो सकता है मैं एक जो है ना इडियट को सेल करूं, लेकिन फिर वक्त नहीं, क्योंकि जब मैं सेल का नाम लेता हूं ना काफ़ी सारे दोस्त रापता करते हैं तो फिर कहते हैं दे दो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करें, तो एक जो है ना हो सकता है मैं दे भी दूं। उसकी वजह यह है कि परिंदे मेरे पास ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, क्योंकि डेरा तो है नहीं है मेरे पास, मेरे पास घर है, ठीक है, घर में शौक करना बड़ा मुश्किल है, फिर अम्मी से बेइज्जती होती है जब परिंदे ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर तंग करते हैं, बार बार कमरे में जाते हैं अंदर गंद बनाते हैं तो फिर अम्मी बेइज्जती करती हैं, लिहाजा मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आसानी से संभाले जाएं वही रखे जाएं। ये मैं इनमें से एक दे दूंगा तो मसला तो कोई नहीं है, एक मेरे पास शो के लिए रहेगा, और अभी इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मैंने जो है ना और ब्रीड करवा लेनी है अभी इंशाल्लाह। ये जो मुर्गी वाइट वाली लेके आए हूँ ये भी मुझे लग रहा है कि अंडों पर आई हुई है, अगर इसने अंडे दे दिए इसकी भी ब्रीड करवा लूँगा, अमरोही की भी मैंने ब्रीड करवा लेंगे, दूसरी वाइट पड़ी है जो उधर पिंडी वो भी उठा के लेके आऊँगा, उसकी भी ब्रीड करवा लूँगा, तो इंशाल्लाह मेरे पास कुछ ना कुछ मामलात हो जाएंगे, तो जब वो ब्रीड आएगी तो फिर तो अम्मी और ही तंग आएंगी, तो बेइज्जती फिर डबल हो जाएगी। इससे बेहतर है पहले जो परिंदे हैं इनको ज़रा आगे पीछे कर लूँ ना तो फिर ब्रीड करवाऊँगा, डेरा हो ना तो फिर टेंशन नहीं है, फिर जितने मर्जी घूमते रहें, लेकिन उधर भी डेरे पे बंदा उतना ही रखे जितने संभाल सके, ये नहीं कि संभालने के बंदे के पास चार की जगह हो और रख ले दस,
तो बस फिर आधे जो है ना ऐसे ही जो है ना त्वचा ना देने की वजह से बीमार शीमार होकर फड़क जाएँ। पहलवान की अभी सुनाते हैं आपको नाथ, काफ़ी दिनों बाद। पहलवान बिजी है आजकल, काम काज करता है घर के। पहले तो पिंडी रहा है, पिंडी से वापस आया है, तकरीबन हो गए मेरे ख्याल चार पाँच दिन हो गए, ज़्यादा हो गए, पिछले फ्राइडे को, मतलब एक वीक हो गया पहलवान को। सुभान अल्लाह, पहलवान आज तक कमाल की थी, मेरी पसंद ही ना सुनाइया, यकीन मान के मज़ा ही आ गया। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, छा गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। ओरो ओरो, अगली बार कोई और ना तैयार करे, अगली बार कोई और तैयार करे। रबी अलवल आ गया, रबी अलवल से कोई तैयार की थी या रबी अलवल लड़े पर से? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और सफ़र अला महीने, बस सफ़र ख़त्म, फिर रबी अलवल। तो अपनी मस्जिद में होती है हर साल महफल 12 रबी अलवल की, इस मरतबा भी होगी। पिछली मरतबा मैंने व्लॉग शेयर किया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं सही से, लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग बना के मैं जो ना अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त डिमांड कर रहे हैं कि आप मस्जिद की जो ना अपनी वीडियो बना के जो ना लगाएं, तो वो मैंने लगानी है जी इंशाल्लाह। 12 रबी अलवल भी लगाऊंगा। रावलपिंडी से नहीं भाई हैं जी, वो डेली मुझे कॉल करके पूछते हैं तबीयत आप कैसी है, मतलब रोज़ाना जो है ना हाल अहवाल पूछते रहते हैं। उन्होंने भी डिमांड की थी कि आपने जो है ना मस्जिद की वीडियो बनानी है, फिर मैंने उनको बोला कि 12 रबी अलवल पे इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा तो वो तो इंशाल्लाह मैं भी जो है ना हाजिरी लगाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना 12 रबी अलवल पे मस्जिद का व्लॉग आएगा। पहलवान कहता है जी जुलूस पे भी जाएंगे, मुझे जुलूस से याद आ गया, पिछले साल का व्लॉग आपको याद होगा, बड़े ही ज़बरदस्त नज़ारे वाली जगह से मैंने आपको दिखाया था जुलूस जाते हुए। एक हमारा जुलूस जो है ना इस जगह पे जाता है, वो पुंडू आ गया, वो इला पहलवान था, ओए ओए हाय हाय। एक ये पहाड़ों वाली साइड पर जाता है जुलूस, और एक इधर मैन जो है ना नजफपुर अड्डे वाली साइड पर, लेकिन जो पहाड़ों वाली साइड पर गया है, मैं उस साइड पर गया था जुलूस के साथ, लेकिन बहुत मज़ा आया उस साइड पर। ऐसा टोटका गिरते बालों का ये तेल तैयार हुआ है, तेरे सिरे से नहीं लाई ना, मैं गंजा पे होना मालिश की थी, तू मेरी मालिश कर, पहलवान रहने दे, इसको मैं इधर कराई, बड़ी जबरदस्त मालिश करनी।
के बाद बिल्कुल मैं रिफ्रेश हो गया हूँ। अभी 2 घंटे का टाइम है, सही तेल जो है ना जज़ब हो जाए, उसके बाद जाके मारते हैं डुबकी। और पहलवान देखें, एक शलवार पास रखी है, एक पुरानी पहन के आ गया, पहले ही तैयार हो गया नहाने के लिए। शादी कुकड़ पकड़ के दे जरा, वाह जी वाह। सबसे पहले तो उसके पाँव में सही तरह से करके दो ना, ताकि चनियाँ सही नजर आए। ये 2 चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, एक गुड़ है, दूसरा साबुन है, कोई भी हो नहाने वाला साबुन। तो बाकी साथ इसके ग्रीस ऐड करके फिर इसकी पट्टी बांधता हूँ। अभी मैंने धो के खुश कर दिए इसके दोनों पाँव, अभी बांधते हैं। चंडी बांध ली है इस तरह से, ये लगा के ना पेस्ट बना के साबुन गुड़ ग्रीस मिक्स करके इसके ऊपर बांधना है छापर, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, पानी या काम पारक चंडी छंडी इसकी बांध दी है, ठीक है। आप 14 दिनों के बाद ओपन करके देखेंगे, अगर चंडी नरम हुई निकाल के, इसका ऑपरेशन होगा चंडी निकाल के, फिर उसके बाद करना क्या है कि इसको जख्म साफ करने वाली लगाएंगे कुछ चीज़, फिर हमारा मुर्गा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। फिर चंडियों से बचाव के लिए इसके लिए शूज़ बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये ग्रीस साबुन और उसके अलावा गुड़, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने मिक्स करके ना बिल्कुल जब एक जैसी हो जाए तो उसकी चंडी के ऊपर रखे, शापुर ऊपर लाजमी बांधना है ताकि पानी की वजह से ख़राब ना हो। आपने पट्टी बांध देनी है सही अच्छे तरीके से, ताकि मुर्गा तंग ना हो, इजीली चल पाए। और 14 दिनों बाद खोलेंगे इंशाल्लाह चंडी आपकी नरम होकर बाहर, और ना भी निकली हो हाथ से निकाल के जो जख्म होगा पीछे, अगर उसके अंदर पस वगैरह हुई तो वो फिर पेंसिलिन का इंजेक्शन मिलता है खुश्क वाला, वो उसके अंदर पाउडर डाल के ऊपर से बांध दे तो वो जख्म ठीक हो जाएगा। अगर वैसे जख्म है तो पायोडीन वगैरह लगाएं तो जख्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका मुर्गा बिल्कुल A1। बाकी मैं भी दिखाऊंगा ये क्या पता मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास रिजल्ट मिलते रहे हैं। मैं पहले भी जो है ना ये चनिया बांधता रहा हूँ मुर्गों की। हम जा रहे हैं नहाने के लिए पूरी टीम के साथ, आज मौसम भी वैसे अच्छा है, 2 दिन हो गए हैं, बारिशें हो रही हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त मौसम हो गया। रात को पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि पंखे की जगह मोटे जो है ना किसी कंबल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। किसे किसे बॉडी बिल्डर, बस बस मेहरबानी, कपड़े फट जा सर इधर, ओ ओ ओ ओ फट गई फट गई, समझ रहे हो फट गई, मेरी दोनों फट गई। अच्छा मैं क्या ने फट गई, शर्ट फट गई, छोड़ के नहीं नहीं आज रहे पानी में पैर गाड़े थोड़े चिटे चिटे नजर आने, बाहर निकलो तो काले शाह तेरे भी काले नू, शहर में भी रहते हैं काले नू, ये तक ना ना के कण तक इसनी शॉक काली हो गई है, है रे कोई सर्दियां चिटी हो जूसी, तकना पा तकना पा, मोल तू इन छाल मारना, मैं कहना कि इधर पानी सैन छलके नाल बाहर आवे, या अल्लाह खैर इतने केकड़े भी है नहीं, ख्याल करी एडे एडे बड़े केकड़े नहीं, चुंगी मारे पकड़ के हैं, बस 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 बा अल्लाह अकबर, एक दो तेरे सब मेरी गया, चलो बटा कमला पे बटा नहीं आता था पहले से, चल चल क्या हो रहा है, गैस और पहलवान भी जा रहे हैं पानी में, चल चल तकी तकी के सात हो गए, मैं कड़ा मैं फरा कर दी मैं तकी तकी आ गया, चल 50 अगर से तू ਲਾ ਦਣਾ ਡੈਂਡ ਗੱਡੇ ਮੇ ਬੈਲੀ ਬੈਟਰੀ ਮੋਕ ਵੈਸੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜੈਟ ਕੋ ਸੋਈਏ ਨਾ ਇਹ ਜੈਮ ਲੈਣਾ ਰੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਸੀ ਅਸਾ ਅਨਾ ਕੋ ਜੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਇਹ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਪ ਗਰੀ ਵੈਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਪ ਫਿਰ ਆ
कोई हाल नहीं, छाल मारो जी, चुंगी मारो बाल के, आए आए आए, छाती भज गई आ। आखू भाई बाजी मारो, कांड तले ना लगे, दार बैन चीज खिलासा है, बाजी मारो बिल्कुल, लत्ता मोड़ के इस पानी चाहू, कांड ना लगे, बैंड भी ना वैन, सीधा स्ट्रेट आवे तले, टंगा आईया ने लगन, कांड स्ट्रेट नहीं ना हुई। हाँ ना हूँ मार मारी ना, सही स्लो मो करके चेक कर सो, हाय अल्लाह जी। क्यों है नुकू, चार अंकों वाली भाई कितना वजन है। आनकु मरण लग गई। ओए आनकु के होई, आनकु चाहिए पहलवान चक्कर चढ़ गए सी। अच्छा अच्छा क्या मुंडे तेरा, मुंडे तेरा ऐडा सोका काम नहीं, दो मन नहीं बोरी है। चढ़ गए सुतुर सका रहे हैं ये आप, मुजीब साहब सुतुर सका रहे हैं, आशम साहब आप क्या कर रहे हैं, मुसव्वर साहब। आए वे मोजा मारो, ए भाई टाइम चंगा ने, ए भाई टाइम चंगा ने, जो मर्जी करो कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। नहाते तो तुम बहुत सोने, बहुत सोनिया छाल मारियां जी, मार दे बाजी हो लगनी चुंगी है। एक हीरा वो एक जे एक और, अभी अभी ताजा ताजा बाहर बाहर निकल गया है, लेकिन वो दो सुबह से गायब है, उनको तलाश करते हैं, तलाश है गुमशुदा। एक तो ये घूम रहा है वाइट चूजा, और एक और कहाँ है, ये तो बड़ा रोला है, ये गायब ही ना हो जाए, इनको मैं जाके पक्का बंदी कर दूँ परमानेंट। ये एक घूम रहा है, इसके साथ का दूसरा किधर है, जोड़ीदार इसका किधर, चार आंखों वाले भाई की नज़र काम करती है, तो देखो भी हैं कुकड़ी बैठी है इसने नाल, ना चूचा किधर गया यार, ये भी मेरी कुकड़ी ने तेरे को ना एक ही पारे बच्चे कटाना से देती है। तो हो गया गुम, अभी उसको तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, मुझे डर है कहीं मकई में ना चला गया, मकई में गया तो फिर मिलना मुश्किल है वहाँ से। अभी एंकू भाई को मैंने इधर भेजा है, मैंने कहा ऊपर चढ़ के देखो यहाँ अंदर ना हो इन पौधों के अंदर, कोई नहीं करना मत ना ही हो भाई, मार बटे ये तो काले काले ने शीख, एक काला है एक लाल है, चिट्टा भी थे हो गए।